हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमें जाननी होगी, आनुवंशिक शब्दावली हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे नंबर वन है जीन। जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए का अंश जिसमें प्रोटीन संश्लेषण का कोड पाया जाता है, कूट पाया जाता है, जीन कहलाता है। तो जीन में आनुवंशिक सूचनाएं सांकेतिक भाषा के रूप में, एक कोड के रूप में संचित रहती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। आनुवंशिक सूचनाएं जैसे हेयर का कलर कैसा होगा नेक्स्ट पीढ़ी में, आई का आंखों का रंग कैसा होगा, या कुछ बीमारियां जो जेनेटिक होती हैं उनकी सूचनाएं जीन में निहित होती है, संचित होती है। जीन की दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, जीन कहलाती हैं। तो जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता की इकाई। दूसरा, जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। गुणसूत्रों पर लीनियर सीक्वेंस में। लगी होती है। तो जीन न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम होता है। सीक्वेंस होता है जिसमें आनुवंशिक सूचनाओं का कोड होता है। आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक कहलाता है डीएनए। डीएनए क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और डीएनए एक सीडीनुमा संरचना होती है, डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री संरचना होती है। सीडीनुमा संरचना तो डीएनए एक सीडीनुमा संरचना होती है, सर्पिलाकार, तो डीएनए एक सर्पिलाकार सीडीनुमा संरचना होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइडों की दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक पार्ट इधर वाला, एक पार्ट इधर वाला। दो न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर डीएनए अणु बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, श्रृंखलाएं, एक तो ये वाली है और दूसरी ये वाली। एक इधर वाली न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखलाएं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड के बहुलक कहलाते हैं डीएनए। तो डीएनए का पार्ट
जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, कहलाता है जीन। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें कुछ आनुवंशिक सूचनाएं हैं एक कोड के रूप में। डीएनए का लंबा रेखीय अणु, डीएनए का लंबा रेखीय अणु कहलाता है गुणसूत्र। जीन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफी है। सेकंड नंबर है कारक, फैक्टर। मेंडल को जीन की जानकारी नहीं थी, जीन के स्थान पर मेंडल कारक शब्द यूज में लेता था, फैक्टर वर्ड यूज में लेता था। प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ी कारक पाए जाते हैं, जिन्हें आज जीन कहा जाता है। मेंडल के कारकों को जॉनसन ने जीन नाम दिया। जॉनसन ने जीन कहा। थर्ड है एलील। एलील या युग्म विकल्पी। या एलिलोमोर्फ। युग्म विकल्प या एलील क्या होते हैं? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली एक जीन के दो वैकल्पिक रूप एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वेरिएंट फॉर्म्स एलील कहलाती हैं। एलील या युग्म विकल्पी समजात गुणसूत्रों पर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, सेम लोकस पर प्रेजेंट रहती है, समान लोकस पर उपस्थित रहती है। जैसे हमारे ये दो क्या हैं? समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? एक जोड़े के गुणसूत्र कहलाते हैं समजात गुणसूत्र। अलग अलग जोड़े के गुणसूत्र कहलाते हैं विषमजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एलील कहाँ पाई जाती है? समजात गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है, सेम लोकस पर। लोकस क्या होता है? जीन का गुणसूत्र पर लगने का स्थान। जैसे ये कोई लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन है, लंबाई या हाइट को, लंबाई या ऊंचाई को कंट्रोल करने वाली जीन है। और इधर भी क्या है? लंबाई या हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन।
ये दोनों जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, एक ही लक्षण को रेगुलेट करते हैं। तो एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाली एक जीन के दो वैकल्पिक रूप अल्टरनेटिव फॉर्म्स या वेरिएंट फॉर्म्स कहलाती हैं एलील। जैसे ये दोनों जीन पौधे के एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रही है, मान लिया ऊंचाई को या लंबाई को, तो ये भी ऊंचाई को कंट्रोल कर रही है, ये भी ऊंचाई को कंट्रोल कर रही है। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन हो गई। तो ये वाली जीन लंबेपन को कंट्रोल कर रही है और दूसरी वाली बौनेपन को कंट्रोल करती है। तो ये क्या है, ये दोनों ही एलील, दोनों सेम लोकस पर स्थित होती है, दोनों सेम लोकाई पर प्रेजेंट रहती हैं, दोनों का स्थान एक है, दोनों एक ही करेक्टर को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो ये जीन कहलाएंगी एलील। और भी कई प्रकार की एलील हो सकती है, जैसे पोड का कलर, फली का रंग, फली के रंग को कंट्रोल करने वाली जीन एक हरे रंग को कंट्रोल करती है, दूसरा मान लिया पीले कलर को कंट्रोल करती है। तो ये सब क्या है, एलील्स हैं, एक ही लक्षण को कंट्रोल करती हैं अलग-अलग फॉर्म्स में। इसके बाद नंबर 4 आता है समयुग्मजी। होमोजाइगस, जब दोनों एलील समान प्रभाव वाली हो, दोनों एलील समान हो, तो उसे कहेंगे समयुग्मजी। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली दोनों एलील एक समान हो, समान प्रभाव वाली हो, तो इन्हें संयुग्मजी कहते हैं। और यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली दोनों एलील असमान हो या असमान प्रभाव वाली हो, तो इन्हें कहेंगे विषमयुग्मजी। भी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। समयुग्मजी को समान लेटर से शो करते हैं, फिर वो चाहे कैपिटल हो या स्मॉल। तो ये क्या है, समयुग्मजी, ये भी क्या है समयुग्मजी, ये तीनों ही क्या है समयुग्मजी कंडीशन है। तो यदि जोड़े के दोनों कारक असमान प्रभाव वाले हैं, दोनों एलील असमान प्रभाव वाले हैं, तो ये कंडीशन होगी हेटरोजाइगस विषमयुग्मजी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको यदि कैपिटल बी से शो कर दें, इसको स्मॉल बी से शो कर दें, तो ये भी क्या होंगे विषमयुग्मजी होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोटाइप। नंबर 6 है फिनोटाइप। यह लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप क्या होता है, सजीव के बाह्य लक्षणों का उल्लेख, सजीव की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल अपियरेंस, सजीव बाहर से कैसा दिखता है,
तो सजीव के बाह्य लक्षणों का अध्ययन या बाह्य लक्षणों का उल्लेख कहलाता है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। जैसे हमें दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, अब ये दोनों देखने में तो सेम है, लेकिन इनका आनुवंशिक संगठन क्या है वो हमें ज्ञात नहीं है कि इनमें जो रेड कलर का लक्षण है वो शुद्ध है या नहीं। तो इसकी जानकारी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जीनोटाइप देखना पड़ेगा, जीनोटाइप, जीन प्रारूप। तो जीनोटाइप क्या होता है, सजीव की जीनी संरचना का अध्ययन या सजीव की जीनी संरचना का उल्लेख कहलाता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जैसे ये दोनों पुष्प, दोनों फ्लावर हमें रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं बाहर से, लेकिन जब इनकी जीनी संरचना का अध्ययन करेंगे, जीन की स्टडी करेंगे, तो हमें पता लगा कि इसका आनुवंशिक संगठन है संयुग्मजी और इसका है विषमयुग्मजी। ये भी क्या है रेड और ये भी क्या है रेड के लिए, दोनों सेम है लेकिन दोनों की जीनी संरचना भिन्न है। तो जीनी संरचना का अध्ययन कहलाएगा जीनोटाइप और बाह्य प्रतीति एक्सटर्नल अपीयरेंस कहलाएगी फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। इसके बाद नंबर 8 है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण क्या होता है, दो भिन्न जाति के जीवों के मध्य निषेचन कराने की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन कराने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, नर व मादा युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और संकरण से प्राप्त संतति कहलाती है संकर। हाइब्रिडाइजेशन से जो जनरेशन आएगी उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड। नंबर 10 है एकल संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा संकरण जिसमें जीव के एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, एकल संकर क्रॉस कहलाता है। एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन करेंगे, जैसे बैंगनी पुष्प वाले और श्वेत पुष्प वाले पौधों के मध्य क्रॉस। तो एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा एकल संकर क्रॉस में। द्विसंकर क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। जैसे लंबे लाल व बौने सफेद पुष्पों के, जैसे लंबे गोल व बौने झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य क्रॉस। यदि तीन जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा तो त्रिसंकर क्रॉस, और बहुत सारे जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा तो बहुसंकर क्रॉस। उसके बाद होता है पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, जिन जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, वो कहलाते हैं जनक पीढ़ी। जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में यदि स्व परागण करवाएं, F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में आपस में क्रॉस करवाएं, तो वो कहलाएगी F2 पीढ़ी।
एफ टू जनरेशन। उसके बाद है एकल संकर अनुपात, मोनोहाइब्रिड रेशियो। एकल संकर क्रॉस के बाद जो रेशियो आता है वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड रेशियो, एकल संकर अनुपात। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अलग अलग होता है। इसी प्रकार द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर क्रॉस के बाद जो रेशियो आता है वो कहलाएगा द्विसंकर अनुपात। उसके बाद है व्युत्क्रम क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसमें एक संकरण में पहले पादप को नर के रूप में तथा दूसरे पादप को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे संकरण में दूसरे वाले को नर के रूप में तथा पहले वाले को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। व्युत्क्रम संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। फर्स्ट ये सेकंड है। इस पौधे को पहले तो नर के रूप में यूज कर रहे थे और इस वाले को मादा के रूप में, फीमेल के रूप में, लेकिन सेकंड क्रॉस में इसको बना दिया नर, इसको बना दिया मादा। तो यह है व्युत्क्रम क्रॉस रेसिप्रोकल।